हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सबसे आसान तरीके का चिकन। इसमें ना किसी मसाले की ज़रूरत पड़ती है और ना ही ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। ये रेसिपी कम से कम इंग्रेडिएंट्स में और कम से कम टाइम में बन जाती है। जिसे कुकिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है वो भी इस रेसिपी को बड़ी आसानी से बना सकता है। जैसे कि हॉस्टल स्टूडेंट्स या बैचलर्स भी इसे बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की नई रेसिपी, ग्रीन चिली चिकन। हमारी इस रेसिपी में जितने क्वांटिटी में चिकन है उतने ही क्वांटिटी में प्याज लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ आधा किलो चिकन लिया है तो प्याज भी मैंने आधा किलो चॉप कर लिया है। इसमें किसी भी प्रकार के गरम मसाले नहीं डलते, बस हमें तीन चार चीज़ें ही लगने वाली है और वो कुछ इस तरह है। आधा किलो चिकन, आधा किलो प्याज, 10 से 12 हरी मिर्च, कुकिंग ऑयल और अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट कर लेना है, तो हम एक बाउल में चिकन डाल देंगे। उसमें एक चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे और साथ ही एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए साइड में रख देंगे। इसे हमें 10 से 15 मिनट तक ही मैरिनेट करना है। इस बीच हम हमारे प्याज को भून लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हमें गैस पे कढ़ाई गरम होने के लिए रखना है। कढ़ाई गरम होते ही उसमें आधा कप तेल डाल देंगे और तेल गरम होते ही हमने जो प्याज कट कर लिया था वो सारा इसमें डाल देंगे। अब हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है और प्याज भूनने के लिए हमें 10 मिनट लग जाएगा। हमें प्याज को ज़्यादा भी नहीं भूनना है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक ही भूनना है। जब प्याज का कलर कुछ इस तरह का हो जाए तब हमें इसमें हरी मिर्च डालना है। आपकी टेस्ट के हिसाब से आप हरी मिर्च कम या ज़्यादा ले सकते हो। अब हम हरी मिर्च को भी थोड़ा टाइम भून लेंगे। और हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी मिक्स करते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज, हरी मिर्च और अदरक लहसुन को भूनते हुए हमें 10-15 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन भी 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट हो चुका है। अब हम मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देंगे। अब हमें चिकन को भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेना है। हमें चिकन को अभी ढककर नहीं पकाना है, हम चिकन को 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही भूनते हुए पकाएंगे। और साथ साथ हमें ध्यान देना है कि चिकन कढ़ाई में चिपके ना। हमें इसे मीडियम गैस पर ही भूनना है। चिकन को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हमें इसमें थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच नमक डालना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। जबकि हमारा चिकन थोड़ा सा पक चुका है तो इसे हम अभी ढककर पका सकते हैं। तो हम गैस को लो फ्लेम पर रख देंगे और चिकन को ढककर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। हमें चिकन को बीच में 1-2 बार स्टर कर लेना है। आपका चिकन पका है या नहीं
ये देखने के लिए फोक की हेल्प से इस तरह से आप चेक कर सकते हो, और नहीं पका हो तो 5 मिनट के लिए ढककर और पका लीजिए। अब हमारा चिकन पक चुका है और उसने थोड़ा सा तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि हमने इसमें कोई गरम मसाला नहीं डाला है, तो धनिया डालने से इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। इस तरह से हमारा बिना मसाले का ग्रीन चिली चिकन रेडी है। आप इसे रोटी या चपाती के साथ खा सकते हो, और आप इसे एज अ स्टार्टर भी खा सकते हो। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताइए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।